अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खैर वफियत से होंगे। बात करेंगे यो टेस्ट क्या है और यो टेस्ट पास करना ज़रूरी करार दे दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टीम में जितने भी अब खिलाड़ी आएंगे उनको यो टेस्ट पास करना पड़ेगा। यो टेस्ट की बात की जाए तो सख्त तरीन टेस्ट है, और इस टेस्ट को लिया कैसे जाता है और ये टेस्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में इसी वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करें तो वेंदर स्वाग ने, इस इंडियन खिलाड़ी है, उसने इसके बारे में कहा है कि ये टेस्ट इंडियन तीन टॉप क्रिकेटर इस चीज़ को पास नहीं कर सके, उसमें तेंदुलकर और सौरव गांगुली और लक्ष्मण जैसे बैट्समैन भी या खिलाड़ी जो थे वो इस चीज़ को पास नहीं कर सके। मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे थे कि जिन्होंने नहीं भी पास किया, मगर उन लोगों ने अपने आप को आगे चल के क्रिकेट में लोहा मनाया। मगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये पहले नहीं था, मगर अब ये ज़रूरी करार दे दिया गया है। जो यो टेस्ट पास करेगा वही आगे टीम में आएगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट भी लाजमी करार दे दी गई है, जो डोमेस्टिक खेलेगा वही आगे आएगा। और इसके अलावा बात की जाए तो ये होता कैसे है, ये मुख्तलिफ़ जावियों से 20 मीटर की लाइनें लगाई जाती हैं, उनके दरमियान भागना होता है और साथ म्यूज़िक चल रहा होता है, और म्यूज़िक की रफ़्तार हर मिनट में बढ़ती रहती है, और उस रफ़्तार से भागना पड़ता है और उसी रफ़्तार से मुड़ना पड़ता है। इसकी रफ़्तार के मुताबिक नहीं भागेगा तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है और फेल कर दिया जाता है इस टेस्ट में। इस टेस्ट को पास करने के लिए 12:5 रेशो रखी जाती है जो कि पूरी करनी पड़ती है, वैसे अगर इतनी आती है तो ठीक है, वरना टेस्ट फेल कर दिया जाता है। अब तक के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शबीर, अल्लाह हाफिज़।